tratando de ingresar mi hierba, por favor. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. मेरे मोहतरम भाई दोस्तों बुजुर्गो, अल्लाह जल जलालू अमन वालों का बड़ा ही करम है, उसका फजल है, उसका एहसान है कि उस रब्बे कायनात ने इस पुरफितन दौर में और ईमान सोज माहौल में एक ऐसी मुबारक मेहनत को दोबारा शुरू फरमाया कि जिस मेहनत के नतीजे में दीन जिंदगियों में आता है, और जब दीन जिंदगियों में आता है तो दोनों जहां की खैर लेकर आता है, दोनों जहां का नफा लेकर आता है और दोनों जहां के नुकसानात से बचाता है। जिंदगियों के बनाने के असबाब दुनियावी साजो सामान और दुनियावी चीजें नहीं है। अगर जिंदगियों का बनना दुनियावी चीजों पर मुनहसिर होता, डिपेंड करता, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे ज्यादा चीजें इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाते, आपके जानिसार सहाबा को अता फरमाते। अगर जिंदगियों के बनने का मदार ये दुनियावी साजो सामान हुआ करता तो सबसे ज्यादा हकदार ये हजरात थे। लेकिन सीरत की किताबें भरी पड़ी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जिंदगी से कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन हजरात की जिंदगियों को चीजों से खाली रखा, और वो चीजें नहीं जो ऐश और आराम की होती हैं, हत्ता के बशरी जरूरतों को पूरा करने के असबाब भी इनके पास मुहैया नहीं थे। खाने को खाना नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने के लिए मकानात नहीं, सफर के लिए सवारियां नहीं, हत्ता के पैरों में पहनने के लिए चप्पल जूते भी अक्सरों के पास नहीं होते। कपड़े के चिथड़े फाड़ फाड़ कर जो है वो पैरों में बांध के जो है वो अल्लाह के रास्ते में चला करते, दीन के तकाजों पर चला करते। रसूल पाक अलैहिस्सलाम की जिस वक्त बायसत हुई और आप अलैहिस्सलाम ने ये दावत वाली अजीम शान मेहनत को शुरू फरमाया, उस जमाने में जिंदगियां इंसानों की बिगड़ी हुई थी, उजड़ी हुई थी, जुल्म व सितम आम था, लूट घसोट आम था, बेशर्मी बेहयाई आम थी, कुफ्र शिर्क की गंदगियों में दलदल में इंसानियत घिरी हुई थी, बात बात पर झगड़ने वाले कौम और मामूली सी बात पर लड़ भिड़ने वाले कौम कि तेरे ऊंट ने मेरे ऊंट से पहले पानी क्यों पिया, ये कोई वजह है लड़ने की। इस पर खाना जंगी हुआ करती, कत्ल गारत गिरी हुआ करती और नस्ल दर नस्ल जंगे चला करती थी। उस जमाने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आदम साजी वाला काम शुरू फरमाया, इंसानों को इंसान बनाने वाला काम, और हर फर्द उम्मती को इस काम में लगाया, मर्दों के साथ औरतों को भी इस काम में लगाया, बच्चे भी पेश पेश रहते थे दीन के कामों में। चुनांचे इस कलील अरसे में चंद सालों के अंदर इस मुबारक मेहनत के जरिए से पूरा के पूरा दीन पूरी हकीकत के साथ में उन लोगों की जिंदगियों में आया जिनकी जिंदगी उजड़ी हुई थी, बिगड़ी हुई थी, तौहीद से दूर थी, फिक्र आखिरत से दूर थी और हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबादत से दूर थी। नहीं जानते थे अल्लाह के हक क्या है, हम पर किसका कितना हक है नहीं जानते थे। सबसे पहला हक हम पर अल्लाह का है क्योंकि अल्लाह हमारे खालिक हैं, मालिक हैं, राजिक हैं। हम कुछ भी नहीं थे, अल्लाह ने हमको इंसान बनाया, अशफुल मखलूकात बनाया,
और बनाने वाला जानता है कि क्यों बनाया गया है इंसान को। उसका मकसद कुरान ने बयान किया है कि हमने जिन्नात और इंसान को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इल्ला लियाबुदून से मुराद इल्ला लियारिफून है कि अल्लाह की मार्फत हासिल करने के लिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की ताकत को, कुदरत को, उसकी रबूबियत को, उसके लामहदूद खजानों को, उसके हय्यू कय्यूम होने को, उसकी तमाम सिफात को पहचान कर जिंदगी गुजारना। कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कैसा समी बसीर है, कैसा देखने सुनने वाला है, कि काली रात हो, काला पहाड़ हो, उसके नीचे काला पत्थर हो और उसके नीचे काली चींटी रेंगती हो और उसके रेंगने से जो उसके कदमों की आहट और कदमों के निशानात उस पत्थर पे जो पड़ते हो उसे भी वो देखता और सुनता है। ऐसा सुनने वाला, ऐसा देखने वाला, ऐसा देखने वाला है हमारा रब के जो आने वाहिद के अंदर अगला पिछला मौजूदा सब देख लिया करता है। एक लम्हे के अंदर अगला भी पिछला भी मौजूदा भी, जमीन के ऊपर भी जमीन के नीचे भी, आसमान के ऊपर भी और आसमान के नीचे भी, समंदर के ऊपर भी समंदर की तह में भी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जब मछली ने निगल लिया और वो मछली जो है जब समंदर की तह में पहुंची तो जमीन के यानी समंदर की तह के जो जर्रात थे रेत के वो अल्लाह की पाकी बयान कर रहे थे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर, के समंदर की तह के जर्रात भी अपने खालिक को पहचानते हैं तभी तो उसका नाम लेते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत सुन रहे हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी देखा और सुना कि अल्लाह का जिक्र हो रहा है, अल्लाह का जिक्र हो रहा है और जिक्र का माहौल बना है तो माहौल का असर गैर महसूस तरीके से पड़ता है। तो फिर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम भी अल्लाह का जिक्र करने लग गए, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन, कि अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, तो पाक है और मैं ही जो है अपने ऊपर जुल्म करने वालों में से। तो जमीन के जर्रात जो जिक्र कर रहे हैं वो भी अल्लाह पाक सुनते हैं। अल्लाह ने मौजज़ा यूनुस अलैहिस्सलाम को भी सुनाया कि माहौल पे इतना गहरा असर होता है। तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कुन फयकुन वाली सिफत का मालिक है कि जब किसी चीज को बनाने का इरादा करे तो सिर्फ उसको कुन कहना काफी है बल्कि उसका इरादा ही वजूद के लिए काफी है। उस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम इंसानों को दुनिया में भेजे जाने का मकसद बताया है कि मेरी पहचान हासिल करो, मुझे पहचानो। आज हमने चीजों की लाइन की मेहनत करके चीजों को तो पहचाना लेकिन कायनात को पैदा करने वाले खालिक और मालिक को नहीं पहचाना। हर नबी का मकसद ये होता था कि चल फिर कर अल्लाह का तारुफ करा दो। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस मुबारक मेहनत को शुरू फरमाया। फिर दूसरी चीज जो है हमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया, जिस उम्मत में पैदा होने के नाते बाद नबियों ने दुआ की थी। हदीस पाक में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका मफहूम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने पिछले तमाम नबियों में से मुझे चुना है तुम्हारे लिए यानी इस उम्मत के लिए और पिछली तमाम उम्मतों में से तुम्हें चुना है मेरे लिए। बात समझा रही, इमामुल अंबिया को चुना गया इस उम्मत के लिए और इस उम्मत को चुना गया है इमामुल अंबिया के लिए। तो इंसान होने के नाते मकसद है बंदगी और इस उम्मत में पैदा होने के नाते मकसद है दावत कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उख्रिजत लिन्नास। वाज़े फरमा दिया इस आयत के अंदर कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, कि तुम लोगों को नफा पहुंचाने के लिए निकाली गई हो। क्या काम इस उम्मत का कि भली बातों का हुक्म करना बुरी बातों से मना करना।
इस काम की जरूरत थी उस जमाने में और आज भी और कयामत तक जरूरत रहेगी, क्योंकि इस काम के जरिए से दुनिया वालों को अच्छे इंसान दस्तयाब हुआ करते हैं। इंसानों को इंसान बनाने वाला काम है। आज दुनिया में अच्छी चीजों की कमी नहीं मिलेगी मार्केट में, आप किसी भी मार्केट में चले जाओ, अच्छे कपड़े मिलेंगे, अच्छे जूते मिलेंगे, अच्छे खाने मिलेंगे, अच्छे मकानात मिलेंगे, अच्छी सवारियां मिलेगी, अच्छे फर्नीचर मिलेंगे, लेकिन कमी आलमी सतह पे नजर आएगी, अच्छे इंसानों की कमी नजर आएगी, अच्छे इंसानों की कमी नजर आएगी। और इस काम ने कैसे कैसों को कैसा बना दिया, वो जो ऐसे वैसे थे वो कैसे कैसे बन गए। हुजूर पाक अलैहि सलाम के जमाने से लेकर आज तक के मिसालें दी जा सकती है बेशुमार। खुद रसूल पाक साहब के जानिसार सहाबा ले लो, कि ईमान लाने से पहले जो है वो नबी अलैहि सलाम के दुश्मन बने हुए थे और दीन को मिटाने के दर पे रहते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक फर्द को जाकर दावत, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम किसी का दर्जा इससे कम नहीं समझते थे कि उसको दावत दी जाए। सफर हिजरत के मौके पर जब मक्का से मदीना की तरफ जो है आप अलैहि सलाम रवाना हुए तो दो रास्ते मिले। रहबर ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस रास्ते से नहीं उस रास्ते से चलेंगे। अल्लाह के नबी ने वजह दरियाफ्त की तो अर्ज किया गया कि इस रास्ते पर दो खतरनाक डाकू रहते हैं जो आने वालों को लूट लिया करते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसी रास्ते से सफर करना पसंद किया कि हम इसी रास्ते से सफर करेंगे। क्यों? ताकि उन डाकुओं को भी दावत देते हुए जावे। और उसी रास्ते से चले हैं और दो डाकू मिले, दोनों को दावत दी। हमारी दावत तीन ही किस्म की है, तौहीद, रिसालत और आखिरत। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वाहदहु ला शरीक ला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई पार्टनर नहीं, उस जैसा कोई नहीं और वो किसी मखलूक के जैसा नहीं। वो मौजूद है लेकिन जगह से बेनियाज है, उसको जगह की जरूरत नहीं। सुई भी होगी तो जगह चाहिए रखने के लिए, ले जाए के हाथी हो, लेकिन अल्लाहु अकबर कुल्लू कबीरा कि वो जगह से बेनियाज है, उसको जगह की जरूरत नहीं। हर चीज का जिस्म होता है, जसामत हुआ करती है, चाहे दिखने वाली मखलूक हो या न दिखने वाली हो। कि फरिश्ते दिखाई नहीं देते लेकिन उनकी जसामत है, छोटी में छोटी और बड़ी में बड़ी जसामत है, जिस्म है उनका। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत वो जिस्म से भी बेनियाज, जिसम की जरूरत नहीं, और जमाने से भी बेनियाज, उसको जमाने की भी जरूरत नहीं। आंखें हैं अल्लाह की लेकिन बिनाई है, अल्लाह देखते हैं, समी है, बसीर है, लेकिन कान से बेनियाज, आंख से बेनियाज, कि सुनते और देखते हैं लेकिन कानों की जरूरत नहीं और आंखों की जरूरत नहीं। और दूसरी दावत हमारी रिसालत की है कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने कामिल और मुकम्मल दीन देकर भेजा है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का लाया हुआ दीन सिर्फ उस जमाने के लिए नहीं बल्कि आज के लिए भी और कयामत तक के आने वाले जमाने के लिए वही दीन चलेगा, वही मोहर चलेगी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली। कि अगर कोई सर फिरा जहन्नम में जाना चाहे तो उसके लिए सैकड़ों रास्ते हैं, कुफ्र का रास्ता, शिर्क का रास्ता, गुनाहों का रास्ता, शराब का रास्ता, जुआ का रास्ता, लेकिन जन्नत में जाना है तो सिर्फ उसके लिए एक ही रास्ता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला रास्ता। और तीसरी दावत हमारी आखिरत की जिंदगी आने वाली है जो हमेशा हमेशा की है, जो कभी खत्म होने वाली नहीं है, और उस जिंदगी का मदार इसी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर है। ये दुनिया आखिरत की खेती है, खेत में अगर चना बोया जाएगा तो चना ही निकलेगा, चावल नहीं निकलेंगे, चावल बोए जाएंगे तो चावल ही निकलेंगे। जो अच्छे बुरे आमाल हम दुनिया में करेंगे उसका अच्छा बुरा नतीजा आखिरत में देखेंगे, लेकिन आखिरत में तो बाद में दिखाई देगा
पहले उसके असरात जो है ना दुनिया में नजर आएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में, जो हमारी आयतों से एराज करेगा, हमारे हुक्मों से मुंह मोड़ेगा, हम उसे उसकी दुनियावी जिंदगी को तंग कर देंगे, दुनियावी जिंदगी को तंग कर देंगे, और इतनी तंग हो जाती है जिंदगी कि लोग खुदकुशी पर आमादा होते हैं। मगरिबी मुमालिक के अंदर चीजों की कमी नहीं है, माल की कमी नहीं है, दुनिया के साधो सामान की और असबाब की कमी नहीं है, कानून खुदाबंदी की कमी है। अल्लाह के कानून को छोड़कर जिंदगी गुजार रहे, कानून को तोड़कर जिंदगी गुजार रहे, नतीजे में उनकी जिंदगियां इतनी तंग हो चुकी है कि सबसे ज्यादा खुदकुशियां उन्हीं मुल्कों में हो रही है, सबसे ज्यादा तलाक उन्हीं मुल्कों में हो रही है, सबसे ज्यादा कत्ल गारतगिरी उन्हीं मुल्कों में हो रही है। एक अंग्रेज ने सर्वे किया कि सबसे ज्यादा जराइम किस मुल्क में हो रहे हैं, तो उसने तहकीक से बताया कि अमेरिका में सबसे ज्यादा जुर्म हो रहे हैं, और सबसे कम जराइम किस मुल्क में हो रहे हैं, तो कहने लगा सऊदी अरेबिया में सबसे कम जराइम हो रहे हैं, क्योंकि कानून खुदाबंदी के तहत वहां पर जो है फैसले होते हैं। लेकिन रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने जो दीन लेकर आए हैं, जो तरीका लेकर आए जिंदगी गुजारने का, बल्कि आप अलैहिस्सलाम ने अपने हयाती के अंदर 23 साल अनुभवी जिंदगी में एक जेल खाना नहीं बनाया, बात समझ आ रही, एक कैद खाना नहीं था, एक पुलिस स्टेशन नहीं था, क्योंकि जिंदगियां बनने के जो असबाब थे वो ईमान और आमले सालेहात थे, और जिंदगियों के बनने के असबाब कुरान ने बयान की है, मनामिला सालेहम मिन ज़करिन अव उन्सा वहुवा मुमिन फलनुहयिनहु हयातन तय्यिबा। जिस किसी ने भी अच्छे आमाल किए, चाहे वो मर्द हो या औरत, बशर्ते के मोमिन हो, हम उसे दुनिया में हयातन तय्यिबा देंगे, पाकीजा जिंदगी। पड़ोस के मुल्क के एक बुजुर्ग फरमाते थे कि इंसान गंदगी की पोटली है, इंसान क्या है, गंदगी की पोटली है, लेकिन आमाले सालेहा ने इसे मुकद्दस बना दिया, अच्छे आमाल ने इसे पाकीजा बना दिया। हाँ, तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी 23 साल जिंदगी की दो तरतीब है, एक तो मक्की जिंदगी, 13 साल जिंदगी मक्की की, कि जहां पर ये आदम साजे वाला काम बाज लोग करने नहीं दे रहे थे, तो दारे अरकम के अंदर जमा होकर वहां पर काम किया, और मदीने पाक में जब हिजरत फरमाई तो सबसे पहला काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया कि मस्जिद बनाई, वहां पर क्या बनाई, अपने रहने का ठिकाना पहले नहीं बनाया, अल्लाह का घर बनाया, और मस्जिद में आमाल जिंदा किए, और हर फर्द उम्मती को मस्जिद से जोड़ दिया, क्योंकि मस्जिदें बनने की जगह है, ईमान वालों के बनने की जगह मस्जिद है, मस्जिद से ताल्लुक अल्लाह से ताल्लुक है, मस्जिद से बेताल्लुकी अल्लाह से बेताल्लुकी है। जितनी भी बेदीनी बददीनी दुनिया भर में जो नजर आ रही है, उसकी एक वजह यही है कि मस्जिद से बेताल्लुकी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मस्जिद जो है वो कच्ची थी, लेकिन नमाजें पक्के थे, और ऐसी सीधी सादी मस्जिद थी कि जिसके अंदर न बैतुल खला था, न गुसुल खाने थे, न वुजू खाने थे, न आरसीसी की छप्पर थी, और न ही ताले लगते थे, बारिश में पानी टपकता था। ऐसी मस्जिद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ किस्म के आमाल को जिंदा किए, दौरे साहबा के अंदर, दौरे रिसालत के अंदर मस्जिद का के माने जो है मुख्तसर नहीं थे हमारे जमाने की तरह के, मस्जिद का मतलब नमाज पढ़ने की जगह या बच्चों के कुरान सीखने की जगह, हर जरूरत के लिए, हर काम के लिए उस जमाने में मस्जिद का दखल हुआ करता था, हर जरूरत के लिए, हर परेशानी के लिए, कि मस्जिद में जो है साहबा दौड़े चले जाते थे, सूरज ग्रहण हो, चांद ग्रहण हो, बारिश बंद हो गई हो, बारिश ज्यादा हो गई हो, घरों में जो है तंगी हो और जरूरत हो घर में किसी चीज की,
चोर पकड़ के लाया गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक उस चोर को मस्जिद नबी के सुतून से बांधे रखा, सजा के तौर पे नहीं, बांधे रखा ताकि मस्जिद वाले माहौल को छोड़कर ही जाना पाए। बनू सकीक की जमात जो है ताइफ वाले जब मदीने आए, ये ऐसी अड़ियल और जिद्दी कौम थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे, ज़कात नहीं देंगे और बुतों को अपने हाथों से नहीं तोड़ेंगे 3 साल तक। ऐसी जिद्दी कौम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा मस्जिद नबवी के अंदर खैमा लगाकर ठहराया, बाहर रहने का इंतजाम नहीं किया। और फरमाया कि इसलिए इन्हें मस्जिद में ठहराया ताकि आमाले मस्जिद के जरिए से इनके दिल इस्लाम के लिए नरम पड़ जाए। जब जिद्दी कौमों के लिए जिद्दी कौम और काफिर मुशरिक अगर मस्जिद में वक्त देने लगे तो उनके जो है दिल इस्लाम के लिए नरम पड़ सकते हैं, तो ईमान वाले तो पहले से नरम दिल है। ये अगर मस्जिद में वक्त देने लगेंगे तो इनका दिल इस्लाम के लिए, दीन के लिए, दावत के लिए, सुन्नतों के लिए, कुर्बानियों के लिए, आखिरत के लिए कितना नरम पड़ जाएगा। इसके लिए एक मेहनत हो रही है मस्जिद को आबाद करने की और आमाले मस्जिद को जिंदा करने की, फिक्रें हो रही है आलमी पैमाने पर। क्योंकि ये किसी, यानी ये हजरत निजामुद्दीन के घर की बात नहीं है या किसी शख्स की बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के अंदर इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर में इसको वाजे किया है कि मस्जिदों को तो वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह पर क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं। हर ईमान वाले के जिम्मे अल्लाह के घर को आबाद करना है, हर ईमान वाले के जिम्मे अल्लाह के घर को आबाद करना है। और इस आबादी के काम में लगेंगे तो क्या फायदा होगा, क्या नफा होगा? इंसान फितरतन लालची है। अल्लाह फरमाते हैं फासा उलाइका यकूनु मिनल मुहतदीन, अल्लाह इन्हें हिदायत देंगे, अल्लाह इन्हें हिदायत देंगे। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अगर तुमने किसी को मस्जिद की तरफ चला दिया तो तुमने अल्लाह की रहमत को उसकी तरफ दौड़ा दिया। क्योंकि हदीस कुदसी है कि जब बंदा एक बालिश अल्लाह की तरफ बढ़ता है, अल्लाह की रहमत एक हाथ उसकी तरफ बढ़ती है। जब बंदा ऐसे से अल्लाह की तरफ बढ़ता है तो अल्लाह की रहमत दौड़ के उसकी तरफ बढ़ती है। और मस्जिद की तरफ बढ़ना ये अल्लाह की तरफ बढ़ना है, मस्जिद की तरफ बढ़ना। और दूसरे 5 फायदे मस्जिद की आबादी के हदीस पाक में उसके इशारे मिलते हैं कि जो अक्सर औकात मस्जिद में गुजारते हैं वो मस्जिद के जो है ना खूंटे हैं, फरिश्ते उनके हम नशीन होते हैं। अगर वो बीमार हो जावे तो फरिश्ते उनकी यादत के लिए जाते हैं, और अगर वो किसी काम को जावे तो फरिश्ते उनकी यानत करते हैं, मदद करते हैं। चाहे वो खेती बाड़ी के काम को जाएगा, चाहे वो कारखाने के काम को जाएगा, चाहे वो रिक्शा टैक्सी और बस चलाने जाएगा। काम का कोई मखसूस तस्करा नहीं है कि इसी काम को जाएंगे तो मदद करेंगे। जब वो किसी काम को जाएं तो फरिश्ते उनकी यानत करते हैं, फरिश्ते उनकी मदद करते हैं। और अक्सर मस्जिद में वक्त गुजारने वालों के लिए, मस्जिद की आबादी की मेहनत करने वालों के लिए बशारत है कि अल्लाह उनको राहत देंगे। क्या देंगे बोलो? आज राहत के अस्बाब तो है लेकिन राहत नहीं है। सोने के लिए कीमती कीमती पलंग है लेकिन नींद नहीं है। मगरिबी मुमालिक के अंदर दवाइयों की दुकान में सबसे ज्यादा नींद की गोलियां बिकी जा रही है, बिक रही है सबसे ज्यादा। दुनिया भर के साधो सामान है लेकिन नींद नहीं है, तो अल्लाह राहत देंगे। और हदीसे पाक के वफू में आता है कि मोमिन की मिसाल मस्जिद में ऐसी है जैसे मछली के लिए पानी, बगैर पानी के मछली जिंदा रह सकती है कि बगैर मस्जिद के ईमान वाला जिंदा नहीं रह सकता। मछली के लिए राहत पानी में मिलेगी, मछली को राहत पानी में मिलेगी। मछली पानी से बाहर गई तो उसकी राहत खत्म, तड़पेगी, मछलेगी और आखिर में दम तोड़ देगी। ईमान वालों को राहत मस्जिद में दी जाएगी। मछली की ताकत भी पानी में है कि बड़े से बड़ा पहलवान भी हाथ डाल के उसको पकड़ नहीं सकता। ईमान वालों की ताकत मस्जिद और आमाले मस्जिद से वाबस्ता है कि जब सहाबा मस्जिद में वक्त दिया करते थे और आमाले मस्जिद के साथ जिंदगी गुजारा करते थे
तो वो रूहानी ताकत और वो जिस्मानी ताकत अल्लाह ने अता फरमाई थी कि अफ्रीका के जंगल के अंदर जब सहाबा की जमात गई तो एक सहाबी ने ऐलान किया कि है जंगल के जानवरों, हम असहाब नबी हैं, हमें यहाँ छावनी डालनी है, तुम सारे के सारे जंगल को खाली कर दो। तो मुअज्जिन लिखते हैं कि सारे जानवर चीर फाड़ खाने वाले और जहरीले जानवरों ने अपने बच्चों समेत 3 दिन के अंदर जंगल खाली कर दिया। बरबरी कौम आबाद थी वहां पर उस वक्त में, उन्होंने ये मंजर देखकर सारे के सारे इस्लाम में दाखिल हो गए। उनकी नस्ल के कुछ लोग यहाँ गुजरात काठियावाड़ वगैरह में भी जो है सिद्दी मकंडे के नाम से जो है जाने होते हैं। कि जब ईमान वाले मस्जिद और आमाले मस्जिद से मुंसलिक थे तो वो ताकत अल्लाह पाक ने अता फरमाई थी कि समंदर उनको राहें दिया करता था, हवाएं उनको उनका पैगाम पहुंचाया करती थी बगैर इंटरनेट सैटेलाइट और मोबाइल के, हवाएं पैगाम पहुंचाती थी। मदीने पाक के अंदर एक सहाबी थे, उनके लड़के को किसी जेलर ने जेल खाने में कैद कर रखा था किसी और इलाके में। वालिद साहब को फिक्र हुई कि मेरे बच्चे को कैद खाने में कैद कर दिया गया है, उस जमाने के कैद खाने जो है तहखाने में हुआ करते थे, तो मेरा बच्चा नमाज कैसे पढ़ता होगा, उसको नमाज की जो है नमाज के औकात का कैसे पता चलेगा। कि मदीने में रहकर अपने बच्चे की नमाज की फिक्र की जा रही है और आज घर में रहकर हमारी औलाद नमाज से गाफिल है, कितनी हम फिक्र करते हैं। हमारी बीवी नमाज से गाफिल है, कितनी हम फिक्र करते हैं। जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो साफ तौर से फरमा दिया कि है ईमान वालों, अपने आप को और अपने अहल वयाल को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। इससे मुराद घर वालों को दीन सिखाओ। इस आयत पर हमने कितना अमल किया, हर कोई अपने अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि जब से मेरी बीवी मेरे निकाह में आई है 5 साल 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल से, जैसे कहूं बे शौकत से, मैंने अपनी बीवी को कितना दीन सिखाया। क्या मैंने अपनी बीवी की सूरह फातिहा को भी ठीक की कभी सुनी कि वो सही पढ़ रही है या गलत पढ़ रही है, कि बगैर सूरह फातिहा के नमाज ही नहीं होती, कि उसकी अत्तहियात सुनी कभी, उसका कलिमा सुना कभी। अल्लाह ने करम फरमाया कि ऐसी मुबारक मेहनत दी कि जो काम हमारे जिम्मे था अल्लाह ने ऐसे आमाल जिंदा किए हजरत निजामुद्दीन के जरिए से, एक साथ में तीनों तबकात पर मेहनत हो रही है, जैसे दौरे रिसालत में तीनों तबकात पर मेहनत हुई है, मर्दों पर, औरतों पर, बच्चों पर। ये तीनों तबके को इस मेहनत में, इस काम में लगाया गया, बच्चे भी, औरतें भी और मर्द। घरों में दीन लाने के लिए असबाब जो बताए जाते हैं, जैसे जोहर में भी माशाल्लाह हमारे बुजुर्ग ने बयान में इसको वाजे फरमाया कि घरों के अंदर तालीम को जिंदा करो। क्या जिंदा करो? और ये अमल जो है ना दौरे रिसालत का है, हुजूर पाक अली सलम के जमाने का था, जमाने का अमल है, ये आज के दौर का नहीं है कि आज कहा जा रहा है करो इसको। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तालीम किया करते थे, सहाबा आप अली सलम के हलके में बैठकर दीन सीखते, ईमान सीखते, कुरान सीखते। मस्जिद ही मदरसा थी। मस्जिद क्या थी? मस्जिद तरबियत का थी, मस्जिद खानका थी। कोई हुकुम आता अल्लाह की तरफ से तो सलातु जामिया का ऐलान होता मदीने पाक की गलियों के अंदर, सारे सहाबा जमा हो जाते मस्जिद में और हुकुम सुनाया जाता कि आज से शराब हराम हुई है। तो ये आवाज सुनकर पूरे मदीने में जो है ना शराब बहा दी जाती। आज से पर्दे का हुकुम आया है, तो रात में जो है घर में जाके सहाबा ने अपनी औरतों को हुक्म सुनाया और फजर की नमाज में औरतें काली काली चादरों में लिपटी हुई फजर की नमाज में जो है ना तशरीफ ला रही है, जैसे काले काले कौवे जगह जगह नजर आ रहे हैं। कि सहाबा मस्जिद की बातें घरों में पहुंचाया करते थे, घरों में सुनाया करते थे। हम लोग बाजार की बातें घर में पहुंचाते, दुनिया की बातें घर में पहुंचाते, इसलिए हमारे घरों में दुनिया आ रही है, दीन नहीं आ रहा है, अल्लाह माफ फरमाए। हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह ताला ने हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की मजलिस में मस्जिद में बैठकर जो है एक दुआ सीखी कि जब किसी पे कोई मुसीबत वाक़े हो तो ये दुआ पढ़ लें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलुफ ली खैरम मिनहा,
कहला इस मुसीबत पर मैं तुझसे अजर चाहता हूं और इसका बेहतरीन बदल चाहता हूं। ये मस्जिद की ताली में बैठकर ये दुआ जो है सहाबी ने अपने घर में उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को सिखा दी, उन्होंने महफूज कर ली ये दुआ। अल्लाह का करना कि कुछ अर्से के बाद अबू सलमा रजी अल्लाह ताला का इंतकाल हुआ, तो उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा ने फौरन ये दुआ जो घर की तालीम में याद की थी अपने शौहर मरहूम से फौरन पढ़ ली। अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलुफ ली खैरा मिन्हा, कह अल्लाह इस मुसीबत पर मैं अजर चाहती हूँ, बदला सवाब चाहती हूँ और बेहतरीन बदल चाहती हूँ। लेकिन सोचने लगी बशरी तकाजे की बुनियाद पर कि अबू सलमा से अच्छे शौहर मुझे कहाँ मिलेंगे, एक बशरी और फितरी तकाजे की बुनियाद पर। अल्लाह की शान देखिए कि इद्दत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भेजा उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। अल्लाह उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया सल्लम कि मुझ में गैरत ज्यादा है और मेरी तो उम्र भी काफी हो चुकी है। उस जमाने में बड़ी उम्रों में निकाह करना कोई परेशानी की और तकलीफ की और मुश्किल काम नहीं था। बेवाओं का निकाह करना, मुतल्लकाओं का निकाह करना कोई मसला ही नहीं था। एक रिवायत ढूंढने से भी आप नहीं बता सकते कि 10,000 सहाबा शहीद हुए, बाज जो है बाज मौके पर, बाज जिहाद में और बाज जो है वो ताउन की बीमारी में। कोई मर्द या औरत ने आके दरखास्त नहीं की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुआ फरमाए कि जो है मेरी बच्ची का निकाह हो जाए, या फलानी बेवा हो गई उसका जो है निकाह हो जाए। इतना आसान था निकाह का मसला। अगर जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अनु शहीद हुए, उनकी बीवी बेवा हुई, तो झट से जो है पैगाम आना शुरू हो गया। अबू सिद्दीक रजी अल्लाह पैगाम भेजा निकाह का, और हजरत अली करमल्ला वजह भी निकाह का पैगाम भेजा। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अनु को मना कर दिया उमर की वजह से, हजरत अबू सिद्दीक से निकाह हो गया। हजरत अबू सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अनु की वफात के बाद फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने फिर निकाह का पैगाम भेजा जाफर तैयार मरहूम की जो है रजी अल्लाह अनु की बेवा से, बाद अबू सिद्दीक रजी अल्लाह की बेवा बनी, हजरत अली से हो गया निकाह। आज के दौर के अंदर सबसे मुश्किल काम निकाह होकर रह गया। गरीब माँ बाप की नींद हराम हो चुकी है और शर्म के मारे गर्दन झुक जा रही है, क्या करें, इतना हमने मुश्किल कर दिया। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अगर निकाह को आसान करोगे तो जिना मुश्किल हो जाएगा, और निकाह को अगर मुश्किल बनाओगे तो जिना करना आसान हो जाएगा। बात समझ आ रही? और ये जो काम अल्लाह ने चलाया, इस काम का मकसद ही हयाए सुन्नत है, सुन्नतों को जिंदा करना। किसको जिंदा करना, बोलो सुन्नतों को जिंदा करना, क्योंकि सुन्नतों के अंदर जाज़बियत है, कशिश है, रौब है, अल्लाह की रजामंदी है, अल्लाह की खुशनुदी है, और उसके अंदर खैर है, उसके अंदर नफा है। साहबा जो है ना एक एक सुन्नत को तलाश करके उसको अमल करते थे। साहबा सुन्नत पर अमल करते थे सुन्नत समझ कर, और हम लोग सुन्नत को छोड़ देते हैं सुन्नत समझ के। सुन्नत ही तो है मसनारी। और सुन्नतों के अंदर तीन किस्म की सुन्नतें हैं, सुन्नत दावत, सुन्नत इबादत और सुन्नत आदत, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से मुताल्लिक है। सुन्नत दावत देने का क्या उसलूब और तरीका रहा है? कयामत तक वही तरीका चलेगा जो जिस तरीके और जज्बे से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा ने दावत दी है, कयामत तक वही तरीका चलेगा। मिसवाक की सुन्नत ले लो, मुंह साफ करने की चीज है, न फर्ज है न वाजिब, लेकिन हमने इसका बदल जो है ना ब्रश को समझ लिया। ब्रश, मिसवाक को छोड़कर ब्रश पर आ गए। जो फायदे उलमा ने मिसवाक के गिनवाए हैं, क्या वो फायदे ब्रश से हासिल हो सकते हैं? 70 फायदे गिनवाए बाकायदा मिसवाक से। सबसे बड़ा फायदा कि मरते वक्त कलमा नसीब होता है और नमाज की फजीलत 70 गुना बढ़ जाती है, और ब्रश उसकी जगह पे ले लिया है। तो एक मिसवाक की सुन्नत
इसका बदल ब्रश कयामत तक नहीं हो सकता या और कोई चीज नहीं हो सकती। तो जिस मेहनत के जरिए से सारी सुन्नतें जिंदा हो रही है, वाजिबात जिंदा हो रहे हैं, फराइज जिंदा हो रहे हैं, शरीयत जिंदा हो रही है, मस्जिदों को नमाजी मिल रहे हैं, बैतुल्लाह को हाजी मिल रहे हैं, मकाती मदारिस को जो है तलबा मिल रहे हैं, अलगर्ज दुनिया वालों को अच्छे इंसान मिल रहे हैं, अच्छे ताजिर मिल रहे हैं, अच्छे मुलाजिम मिल रहे हैं। सूरत के एक व्यापारी जो है चिल्ला लगाकर आए और अपने बिल के नीचे जो एक जुमला लिखा हुआ रहता है आमतौर से कि गुड्स वन सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक, कि बेचा हुआ माल वापस नहीं दिया जाएगा। मुसलमान भी लिख रहा है बैरों की तरह। ये हमारा नारा है, ये हमारे बोल है। नबी अलैहिस्सलाम ने तो बेचा हुआ माल वापस लेने की जो है ना फजाइल सुनाए हैं, कि जो ग्राहक से बेचा हुआ माल वापस ले लेंगे। और मुसलमान भी देखा देखी जो है वो गैरों की तरह कि हम वापस नहीं लेंगे। लेकिन वो ताजिर, कपड़े का ताजिर, उसका यकीन बना कि पालने वाले जात तो अल्लाह की है और अल्लाह पालने में तिजारत के मोहताज नहीं, मुलाजिमत के मोहताज नहीं, डिग्री के मोहताज नहीं, अहदे के मोहताज नहीं। सारी कायनात में जितनी जानदार मखलूकात है सबको अल्लाह पाल रहे हैं बगैर अस्बाब के। तो क्या इंसान को नहीं पाल सकते बगैर अस्बाब के? तो वो ताजिर ने वो जुमला जो है ना उसको निकाल दिया वहां से, बिल के नीचे जो लिखा हुआ रहता है, और लिखा कि खरीदा हुआ माल आपको लौटाने का पूरा हक है। हमारी दुकान से खरीदा हुआ माल लौटाने का पूरा हक है। अगर हमारा माल आपको पसंद ना आवे तो हमसे आकर कहो, और पसंद आ जावे तो दूसरों से जाके कहो, दावत दो। अब ये बिल जो है एक साहब के हाथ में आया कि अरे आप बेचा हुआ माल वापस ले लेते हो, वो भी कपड़ा। क्या ले लेता हूँ, इसमें तो नुकसान होता होगा। बोले हाँ शुरू में नुकसान होता था, लेकिन अब अल्लाह का फजल है कि गिरागी इतनी बढ़ गई है कि गैर ईमान वाली औरतें भी अपने छोटे छोटे बच्चों को पैसा देकर हमारी दुकान पे भेज देती है कि कपड़ा खरीदना तो इस मुसलमान की दुकान से खरीदना, कि धोखा नहीं देगा। बात समझ आ रही? इसी तरह से एक सोने के व्यापारी जवेरी जो है अल्लाह के रास्ते में गए, चिल्ला लगा कर आए, यकीन बना कि पालने वाली जात अल्लाह की है, क्या अपने कारोबार से नहीं पल रहे। और नबी की तालीमात है अल्लाह के रास्ते में निकाल कर, तालीम के हलकों में बिठा कर, अंबिया साहबा के वाक्यात सुनाकर जो है जिंदगी सिखाई जाती है, समझाई जाती है। एक मुसलमान ताजिर हो, मुलाजिम हो, शौहर हो, औलाद हो, अमीर हो, गरीब हो, शहरी हो, देहाती हो, कैसे जिंदगी गुजारनी चाहिए? अंबिया और साहबा के वाक्यात सुना सुना कर। तो लिहाजा जो है तालीमात नबवी में बात सामने आई उनके, ये जो है वो जो ताजिर झुकता तोलने की तरकीब आई है कि पिछली बार कौमों को अल्लाह ने इसलिए हलाक किया कि जो नाप तोल में डंडी मारा करती थी, नाप तोल में, लिहाजा झुकता तोलो, ये नबी की तालीमात में से है। लिहाजा जो है वालिद ने आगे बच्चों से कहा जो जो, जो दुकान संभालते थे, ये बच्चों झुकता तोलना क्या करना, और सोने की दुकान है वो। बच्चों ने कहा कि अब्बा जान गुड़ होता तो झुकता तोलता, सोना है ये, गुड़ होता तो ये झुकता तोलता, झुकता हुआ तोलता, सोना है, और सोने के अंदर जरा सी भी अगर कमी बेशी हो जावे तो कितना फर्क हो जाता है। तो कहा वालिद ने कि हाँ बेटा तेरी बात सही है, सोना है, लेकिन ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, और आकाए नामदार ताजदार मदीना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के मुकाबले में क्या सोना, क्या चांदी, क्या हफ्ते अकलीम की सल्तनत और क्या पूरी दुनिया के खजाने। लिहाजा झुकता तोलना शुरू किया, औरतों को पता चला कि ये जवेरी पूरा देता है और झुकता देता है, तो एक औरत चार की तश्कील करके लाती कि सोना खरीदना तो इसी दुकान से खरीदना। बात समझ आ रही? तो अल्लाह का फजल है कि ये इस काम की बरकत से हर शोबे में पानी पहुंच रहा है, कि अच्छे ताजिर मिल रहे हैं, अच्छे मुलाजिम मिल रहे हैं, अच्छे डॉक्टर मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? डॉक्टर की जो जिस्मानी इलाज के साथ रूहानी भी इलाज करते हैं, जिस्मानी दवा के साथ रूहानी दवा भी देते हैं,
एक डॉक्टर साहब वक्त लगाकर आए तो अपनी क्लिनिक में बैठे बैठे उन्होंने कारोबार शुरू कर दिया, यानी दावत देना शुरू कर दिया। एक बड़े मियां कभी मस्जिद में नहीं आते थे, तो इन्होंने वो बड़े मियां ने आकर कहा, डॉक्टर साहब मेरे घुटनों में काफी दर्द रहता है, कोई अच्छी सी जो है दवाई दो। अब वो डॉक्टर साहब जानते कि कभी मस्जिद में नहीं आते थे, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि बड़े मियां ये बताओ कि आपके घुटनों में दर्द किस वक्त होता है, जब आप रुकू में जाते हैं उस वक्त होता है या सजदे में जाते हैं उस वक्त होता है। अब वो बड़े मियां हंस दिए और कहा कि डॉक्टर साहब ये बात तो सही है कि मैं नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन आपका ये अंदाज इतना अच्छा लगा कि मैं वादा करता हूं कल से 5 वक्त की नमाज शुरू कर दूं। इस काम के जरिए से कारोबार छुड़ाना मकसद नहीं है, दुनियादारी छुड़ाना मकसद नहीं है, रहबानियत नहीं है, मलंगपना नहीं है कि दुनियादारी छोड़ो जंगल बयाबान में चले जाओ। जिस शोबे में है और जिस हाल में है उस हाल के हुक्म को अपना कर उस नबी के तरीके पे चलो तो करेंगे इंशाल्लाह। इसी के लिए अल्लाह के रास्ते में निकाला जाता है, मस्जिद वाले माहौल में ठहराया जाता है। अल्लाह के नबी के जमाने में 24 घंटे मस्जिद आबाद हुआ करती थी, रातों में भी शिफ्टों में सहाबा वक्त दिया करते थे, किसी वक्त मस्जिद आमाल से जो है खाली नहीं होती थी। तो लिहाजा नियत करो कि हम भी अपनी मस्जिदों को 24 घंटे आबाद करेंगे इंशाल्लाह। फारिग वक्त मस्जिद में गुजारो, बड़ी आफियत में रहोगे, राहत में रहोगे, जैसे मछली को राहत मिलती है पानी में, दुनिया के फितरों से झमेलों से बचे रहोगे। ना चाहते हुए भी आंखों के गुनाह हो रहे हैं, ना चाहते हुए भी कानों के गुनाह हो रहे हैं, और जो हमारे कानून को तोड़ेगा उसके लिए जो अल्लाह की तरफ से वही दे। तो गुनाहों से बचने का और जो है मकसद पे आने का ये आसान तरीका इस दौर में अल्लाह ने चलाया है कि अल्लाह के रास्ते में अपनी जान माल लेकर निकलेंगे इंशाल्लाह। 4-4 महीने के लिए हर कोई इरादा करे कि इंशाल्लाह हम नकद यहाँ से 4-4 महीने के लिए जाए। कौन कौन इरादा करता है? बहुत कम लोग हाथ उठा रहे हैं। माशाल्लाह अल्लाह पाक बहुत कबूल फरमाए। ये वक्त जो है ना जिक्र का है, जो 3000 का वुज़ू है वो सब में बैठ कर जो है ना 3 तस्बीहात की पाबंदी करे, तीसरे कलमे की, दरूद शरीफ की और इस्तिग़फ़ार की करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक कहने सुनने से ज्यादा नहीं होता।